मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा करने की सोच रहे हैं कुछ शरारती तत्व। प्लाटिंग करने की सोच। भगवान के नाम की ट्रस्ट की भूमि पर कब्जा करने वालों की नजरें मंदिर और ट्रस्ट की जमीनों पर भी टेढ़ी हो गई हैं। जी हाँ, ऐसे एक मामले में ट्रस्ट के मूल प्रपत्रों में फेर बदल कर करोड़ों की जमीन को कोड़ियों के भाव में बेचने और खरीदने की बात सामने आई। मामले के कोर्ट में होने के बाद भी करीब कई बीघा जमीन पर प्लाटिंग करने की कुछ माफियाओं की एक सोची समझी साजिश बन चुकी। नगर के मोहल्ला मोती चंदोसी के रहने वाले हरिओम गुप्ता ने बताया कि 1955 से मंदिर की ट्रस्ट की संपत्ति लक्ष्मणगंज चंदोसी में इसी तहत जिसकी गाटर संख्या 465, 466, 476 है और प्रार्थी का परिवार में ही इस संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जिसकी रिट संख्या 1801/2019 हरिओम गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य योजित है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद संपत्ति पर स्टे करा दिया गया। फिर भी असामाजिक तत्व दूसरी पार्टी से मिलकर संपत्ति के नाम पर बयाना ले लेते हैं। यह मंदिर परिसर विवादित है। इसके स्वामी श्री बांके बिहारी व महादेव हैं। इसके ट्रस्टी व प्रबंधक स्वर्ग सीधाराम परिवार व वृद्धाश्रम हम लोगों ने मंदिर परिसर की जमीन पर एक बोर्ड लगाया हुआ है। नगर के प्रमुख मंदिरों के पास उनकी अपनी संपत्तियां हैं जो कि वर्तमान में करोड़ों की है। इसका मतलब यह है कि थोड़ी की उनको बेच दिया जाए बरसों पुराना और हमेशा भगवान के नाम पर ही रहेगा। हमारे परिवार में करीब 250 से ज्यादा लोग हैं। संपत्ति में कभी ऐसा मन नहीं बनाया कि इसको बेचा जाए क्योंकि यह ट्रस्ट है। लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर आए। आप कहाँ आए? थाने। क्यों आए थाने आज? तहरीर लिखाने। क्या मामला था? बाकी पेड़ काट रहे थे हरी। अच्छा, उसमें कहाँ कोई मामला चल रहा है? किस हाई कोर्ट से स्टे है उसमें जी। और क्या, दो जुमे दो मुकदमे चल रहे हैं। कितनी पुरानी संपत्ति है? जी, 1928 की हमारी बुजुर्गों ने ली थी जी। और 1955 में इसका ट्रस्ट बना था जी। कितने परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में करीब 500-700 लोग हैं। और ये कौन बेच रहा था इसको? ये कृष्ण कुमार भगत जी। भगत जी, इसमें मंदिर भी था पहले? मंदिर है बांके बिहारी जी। अच्छा, मंदिर। और ये इसकी मूर्तियाँ वगैरह ये ले गए सब? मूर्ति इनके घर पे लग रही हैं, दोबारा हमने लगवाई, मंदिर इन्होंने तोड़ दिया। तो ये उसके बाद वो मूर्ति हमने रामबाग पे लगवाई। अच्छा, ये जो है इस ट्रस्ट में ये भी शामिल है क्या? हाँ, ट्रस्ट में ये भी है। क्या नाम है इनका? कृष्ण कुमार भगत जी। आज किन किन के खिलाफ तहरीर दी है? इस टाइम में बिमला देवी से मुकदमा चल रहा। अच्छा, आपने अब किन किन के खिलाफ तहरीर दी है? तहरीर दी है मैंने, एक तो कृष्ण कुमार के खिलाफ जी जो वहाँ मौजूद थे जी, एक अभय कुमार जी, और एक पवन कुमार जी, न दीपक कुमार जी, और एक संजीव कुमार जी, चार लोगों के खिलाफ। अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ये हमारी एफ आई लिखी जा